शासकीय गजरा राजा स्कूल के अंदर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 3 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें शिल्प जागरूकता का एक शिविर लगाया हुआ है, जिसमें गजरा राजा स्कूल की गर्ल्स सीखने वाली हैं। स्कूल के अंदर में 4 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें पेपर मैशी, टेराकोटा, पत्थर शिल्प और ड्राइंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा। दिखाइए राधा कुशवा, राइट, वेरी गुड। आप क्या बना रहे हैं? मेरा नाम शिवानी रजक है। शिवानी रजक, वेरी गुड। आप? माय नेम इज सृष्टि वर्मा, मैंने गणेश जी बनाया। वेरी गुड। ऋचा कुशवा, मैंने गणेश जी और फ्लावर दोनों बनाया। गणेश जी और फ्लावर दोनों बनाया। आपका नाम क्या बताया? ऋचा कुशवा, वेरी गुड बेटा। माय नेम इज ऋतु कुशवा, मैंने गणेश जी बनाया। ऋतु कुशवा, वेरी गुड। आप में से ज्यादातर लोगों ने गणेश जी बनाया। मेरा नाम राधा कुशवाहा है, मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय गजरा राजा कन्या उमा विद्यालय है। पेपर मैशी का काम किया है मैंने, मुझे पेपर मैशी से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाना सिखाई है। नाम सृष्टि वर्मा है, मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ और मैंने पेपर मैशी का काम सीखा है। इसका प्रशिक्षण मुझे प्रतीक सर और गोविंद रागवंशी सर ने दिया है। मुझे इसमें बहुत मजा आया करके, बहुत नई नई चीजें सीखी मैंने और मैंने फ्लावर पॉट और गणेश जी बनाए थे। अपने भारत को आगे ले जाने का उनके अंदर जो भाव समाया हुआ है वो अपने मामा के बाजार में किया था और आज यहाँ तक उन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त छात्राओं, अध्यापकों का। उन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया इस आयोजन के लिए और कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प, जो कि दूसरी बार ये आयोजन है, हमने मामा के बाजार में इस तरह का आयोजन किया था। कि आप लोग पिछले 2 दिनों से निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर अपनी बहुत मेहनत के
साथ में, लगन के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में सीख रहे हैं, ये अतुलनीय है, ये सच में अद्वितीय है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई जगह पर ट्रेनिंग्स की हैं, कई जगह पर बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को सिखाया है, लेकिन गजरा राजा के छात्राएं जिस रुचि के साथ में सीख रहे हैं, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट को अपने अंदर लेके आए हुए हैं और हर दिन एक नए सवाल के साथ में हमारे सामने खड़े हुए होते हैं और हमसे कुछ नया सीखने की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये सच में बहुत अमेजिंग है। तो आप लोगों के लिए एक बार बहुत बेहतरीन तालियां मैं बजाना चाहता हूं। मैं आपको चारों कलाओं के बारे में बताना चाहूंगी। पेपर मैशी एक ऐसी कला जिससे न केवल हमने अपना घर, विद्यालय, वातावरण बल्कि देश विदेश तक पहुंचने का एक साधन सीखा, एक ऐसा अनुकूल साधन जिससे न केवल हम कॉम्पिटेटिव लेवल तक बल्कि अपनी खुद का एक छोटा सा ही एक ऐसा व्यवसाय जिसे न केवल हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं अपनी कला के बारे में, बल्कि अपने आप को एक अपने पैरों पर खड़ा करने का इतना काबिल बना सकते हैं कि दुनिया की कोई ताकत फिर हमें गिरा ना पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री गोविंद नागवंशी जी का और उनके पुत्र श्री सटीक नागवंशी जी का, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी और ये अनोखी चीज सिखाई कि हम किसी भी चीज से कुछ भी कर सकते हैं। पेपर वेस्ट एक ऐसी कला है जिससे न केवल हम अपने घर को बल्कि अपनी धरती माँ को सुसज्जित और सुरक्षित भी करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिव दिस इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग ऑफ एवरीवन। टेराकोटा एक ऐसी कला जिसे हम सब ने देखा और सीखने का मौका मिले, ये हम चाहते तो थे पर कैसे मिलेगा ये नहीं पता। लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के दिए बनाता है, मटका बनाता है, पर उससे मिलने वाली सीख को हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मटका कच्ची मिट्टी से बनकर असहनीय आग में चलता है और फिर भी हमें शीतल जल देता है। क्या कभी हमने सोचा है कि इसी शीतल जल से की तरह अगर हम भी मटके जैसे बन जाएं, तो अगर हम भी मटके की तरह हर परिस्थिति में धैर्य और काम से अपने कार्य को करेंगे तो हम भी अपने जीवन में हमेशा मटके जैसे सतर्क, मजबूत और ताकतवर बन सकते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एंड ग्लोरियस थिंग टू मी एंड एवरीवन विच प्रेजेंट एंड लर्न दिस थिंग। पेंटिंग चित्रकला एक ऐसी कला जिसे अक्सर हम सभी करते हैं, पर चित्रकला क्या सच में एक अनोखी और मजेदार कला है? है, क्योंकि इस कला में हम अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी हर खुशी, हर गम को अपने हृदय से उतारते हैं। चित्रकला हाथों से बनाई हुई कला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी धारणा, अपनी सीख, अपनी हर बात को रख सकते हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू सर फॉर गिविंग दिस इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी एंड एवरीवन। स्टोन टैपिंग एक ऐसी कला जिसके बारे में हमने शायद ही सुना हो या समझा हो, एक ऐसी कला जो शायद पत्थरों की भी किस्मत लिखती है, वरना क्या किसको क्या मालूम कि कौन सा पत्थर कल कौन सी मूरत बन जाएगा और कौन सा पत्थर कल किसके पैरों रौंदा जाएगा। जो पत्थरों की किस्मत लिखते हैं उसे भी एक आम कला कहते हैं। और थैंक यू प्रशांत सर हमें ये कला सिखाने के लिए। मैं आप सबको के लिए एक छोटी सी शायरियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये पहली शायरी गोविंद सर एंड प्रदीप सर के लिए। कलाकार हूँ, कला की कदर करता हूँ, कलाकार हूँ, कला की कदर करता हूँ, मैं किस्मत पर नहीं अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ। दूसरी शायरी टेराकोटा वाले सर के लिए। कलाकार हूँ साहेब, अल्फाजों की महफिल मिट्टी से सजाता हूँ, किसी को बेकार तो किसी को कलाकार नजर आता हूँ। जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि वो पढ़ाई के साथ अन्य कला भी सीखे ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। और इसी के साथ मैं श्री गोविंद सिंह नागवंशी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पीपल मिट्टी जैसी
कला सिखाई। साथ साथ मैं प्रतीक सिंह नागवंशी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट करना सिखाया। मैं दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पेपर मेशी से मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि जो वेस्ट पेपर था हमने उसे यूज कर गणेश जी, फ्लावर पॉट, छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे पत्तियाँ और भी बहुत सारी चीजें बनाई। हमने एक वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल बनाकर तैयार किया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।